उत्तर प्रदेश के बरेली जिले में सोमवार की दोपहर इज्जत नगर थाना क्षेत्र के करमपुर में दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज में हुई जमात से लौटे तबलीगियों की तलाश में पहुंचे दो सिपाही से लोगों ने मारपीट कर डाली। सिपाहियों ने दो लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस बैरियर वन चौकी पहुंचाया। पुलिस लोगों को घरों में रहने के लिए समझा रही थी, तभी चौकी पर करीब 400 लोगों की भीड़ ने हमला कर दिया और आग लगाने की कोशिश की। पुलिस को लाठीचार्ज कर स्थिति पर काबू करना पड़ा। इस दौरान आईपीएस अभिषेक वर्मा को चोटें आई हैं। दरअसल करमपुर चौधरी ने तबलीगी जमात से जुड़े लोगों के होने की सूचना पर दोपहर को सिपाही पहुंचे थे। सिपाही लोगों से ही जानकारी कर रहे थे, लेकिन लोगों ने असहयोग किया और हाथापाई पर उतारू हो गए। इसके बाद दोनों सिपाही वहां से दो लोगों को हिरासत में लेकर वापस लौट गए और उन्हें पुलिस बैरियर वन चौकी ले आए। लेकिन थोड़ी देर बाद गाँव के प्रधान तसव्वुर खान की अगुवाई में 300 से 400 लोग पुलिस चौकी पर पहुंचे और आगजनी करने की कोशिश की। इसकी सूचना पर जब सीओ अभिषेक वर्मा मौके पर पहुंचे तो उनसे भी लोग भिड़ गए और हाथापाई कर डाली। इसके बाद पुलिस ने लाठी चार्ज कर दिया। लाठी चलाने के दौरान आईपीएस अभिषेक वर्मा का पैर फिसल गया और वो गिरकर घायल हो गए। करमापुर के कुछ लोगों ने, जिनकी संख्या लगभग 200-250 होगी, ये हमारे बैरियवन चौकी पे जाके गए, पुलिस वालों से बदतमीजी की। मामला ऐसा शुरू हुआ जब हमारी लॉकडाउन को इन्फोर्स कराने के लिए हमारी चीता मोबाइल जो है इस गांव में आई थी। गांव में आने के बाद में लोगों को सख्ती से कह दी कि भैया पर अपने घर जाए, कोई लॉकडाउन का उल्लंघन न करें। तो दो पुलिसकर्मियों को देखकर गाँव वालों ने उस पर हमला कर दिया। पुलिस वाले चौकी पर चले गए, फिर पूरी गांव वालों ने पूरी भीड़ इकट्ठा करके चौकी पे गए, फिर चौकी पे उन्होंने काफ़ी तांडव किया। फिर उसके बाद में हमें ये उसको रिटेलिएट करने के लिए हमें पुलिस फोर्स बुला के गांव में जाए। गांव पे जब गए हम, तभी लोगों ने हम पे हमला करने की कोशिश की। उसके बाद में हम लोगों ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है, उनके ऊपर पुलिस के काम में बाधा डालने और धारा 144 का उल्लंघन और कोरोना एपिडेमिक एक्ट और आईपीसी के अन्य सेक्शन के तहत मुकदमा पंजीकृत करके जितने लोग इसमें हैं, हमारे पास वीडियो भी हैं, साक्ष्य भी हैं, सबको चिन्हित करके हम जेल भेजने की कोशिश करेंगे। चौकी जलाने की भी धमकी दे रहे थे, हम उनको आइडेंटिफाई करेंगे, जो आइडेंटिफाई हो गए उनको हम गिरफ्तार कर लिए हैं और उनको कतई भी किसी भी दिशा में, किसी भी व्यक्ति को जो असामाजिक तत्व है उनको किसी भी दिशा में छूट नहीं दी जाएगी कि वो किसी भी पुलिस पार्टी पे, किसी भी चौकी पे हमला करने की हिम्मत करें। इसमें हम एक नज़ीर पेश करेंगे जिनमें आने वाले भविष्य में कोई भी व्यक्ति पुलिस पार्टी या चौकी पे हमला करने की अपने सपने में भी न सोचे। इसमें बढ़ा दी गई है यहाँ पर, बिल्कुल पुलिस बढ़ा दी गई, सख्ती कर दी गई। जो भी व्यक्ति कानून को अपने हाथ में लेने की कोशिश करे उसके साथ हम बिल्कुल सख्ती से निपटेंगे, पूरी अपनी ताकत लगा देंगे। एक ये देखा गया कि कुछ लोगों ने पुलिस पार्टी पे गांव के अंदर भी हमला किया, जिसके बाद बल प्रयोग करना पड़ा क्योंकि पुलिस पे भी हमला किया था। हमारे ऊपर हमला किया गया, हमने उस हमले के जवाब में हमें अपनी सेफ्टी के लिए हमने लोगों को हिरासत में लिया है और हम कोशिश करेंगे कि उन्हें हम सख्त से सख्त सजा दिलाएं। आईपीएस अभिषेक वर्मा जी के हाथ में चोट आई है क्या? उन्हें हाँ, तो पैर में चोट लगी है, हाथ में भी चोट लगी है, पैर में भी चोट लगी है। उनके साथ, उनके अलावा और भी हमारे साथ पुलिसकर्मी हैं जो भाग दौड़ में और जो जिनके इनके ऊपर जो हमले के दौरान जो लोगों ने हमला किया उससे लोग घायल हुए हैं, उनको इलाज के लिए जिला अस्पताल में भेजा जाएगा। अभी संख्या चिन्हित नहीं है, लेकिन हमारे पुलिसकर्मी भी इसमें घायल हुए, जो कि बेहद शर्मनाक बात है। क्या ये मामला है, बताया जा रहा है कि जमात के कुछ लोग, उनकी सर्च में भी पुलिस आई हुई थी, तभी इन लोगों ने हमला किया है। अब ये हम वेरिफिकेशन करने के लिए सब लोग लगे हुए हैं कि कहीं कोई बाहर से व्यक्ति तो आया नहीं हुआ, कहीं कोई संक्रमित है, तो अगर कोई संक्रमित व्यक्ति है तो उसको आइसोलेट किया जाए ताकि उनके परिवार वालों को सुरक्षित रखा जाए। इस दृष्टिकोण से और लॉकडाउन को इन्फोर्स कराने के लिए भी पुलिस हर जगह पर घूम रही है ताकि हमें पता लगा सके कि कोई ऐसा व्यक्ति ना हो जो कहीं दिल्ली से, नोएडा से, गाजियाबाद से कहीं या बाहर से आया हुआ हो। अगर वो संक्रमित है या उसके अगर कोई लक्षण पाए जाते हैं तो उसे हम आइसोलेशन वार्ड में वहाँ भर्ती कर इस काम को इन्फोर्स कराने के लिए जनहित में पुलिस का जो काम है उसके लिए पुलिस अपनी डेली रूटीन के काम से आई हुई थी, लेकिन उसके ऊपर हमला किया गया, ये बेहद ही शर्मनाक बात है। पुलिस ने मौके से 18 लोगों को पकड़ाया। गाँव और पुलिस चौकी पर पुलिस बल तैनात किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, MI न्यूज। चल आ जा।
चलो ठीक है।